स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले एग्जांपल सेकंड, लास्ट वीडियो में हमने किया था फर्स्ट एग्जांपल पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम करेंगे वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एग्जांपल सेकंड फर्स्ट पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² - 3x + 7। वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 1 है, x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे x के प्लेस पर, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 × 1² - 3 × 1 + 7। 1² क्या होता है? 1। 1² मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1। 5 × 1 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 + 7। 5 - 3 + 7, 5 - 3 = 2 + 7, 2 + 7 = 9। पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब हमारे पास पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है और y की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 × 2³, y³ - 4 × 2 + √11। 2³ क्या होता है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2² = 4, 4² = 8। ये रफ वर्क में करके देख रहे हैं हमने। ठीक है, 3 × 8 - 4² + √11। 3 × 8 = 24 - 8 + √11। 24 - 8 = 16 + √11। अब इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, तो q ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16 + √11। q ऑफ 2 16 + √11। थर्ड पार्ट, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t² - t² + 6। इसमें वेरिएबल है हमारे पास t और t की वैल्यू हमारे पास गिवन है a। ठीक है, t इज इक्वल टू a, t की वैल्यू a पुट करेंगे हम, p ऑफ a इज इक्वल टू 4 × a⁴ + 5 a⁴ - a² + 6। a⁴ + 5 a³ - a² + 6। ठीक है, ये सब पावर डिफरेंट है इसलिए हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 a⁴ + 5 a³ - a² + 6। ये आंसर आ गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, इसी एग्जांपल से रिलेटेड। फर्स्ट सम 5x - 4x² + 3। यहाँ वेरिएबल है हमारे पास x और x की वैल्यू है 0। इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लेंगे पहले, गिवन में नहीं है तो इसलिए हम इसको सपोज कर लेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 × 0 - 4 × 0² + 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 स्केयर क्या होता है? 0, 4 × 0 + 3। 0 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 + 3। 0 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो बाकी आंसर क्या रह गया? 3। ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इक्वेशन वही है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। यहाँ वेरिएबल x की वैल्यू -1 है, वैल्यू माइनस में है हमारे पास, माइनस में पुट करेंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 × -1 - 4 - 1² + 3। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5,
माइनस फोर माइनस वन का स्केयर, स्केयर मीन्स उसी टर्म को टू टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। फोर इंटू वन प्लस थ्री, माइनस फाइव माइनस फोर, फोर वन जा फोर, माइनस फाइव माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस फाइव माइनस नाइन कितने होते हैं, माइनस फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस नाइन, प्लस थ्री, माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट पी ऑफ एक्स, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू टू है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, पी ऑफ टू इज इक्वल टू फाइव इंटू टू माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, फाइव टू जै टेन माइनस फोर, टू स्क्वायर क्या होता है, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर, फोर इंटू फोर प्लस थ्री, टेन माइनस फोर, फोर जै सिक्सटीन प्लस थ्री, टेन माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स, जब एक नंबर प्लस और एक माइनस का होता है तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन लार्जर नंबर वाला लेते हैं। यहाँ हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का 16 माइनस सिक्स, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, 10 माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस थ्री, सेम रीज़न माइनस सिक्स प्लस थ्री क्या रह जाएंगे, माइनस थ्री, ठीक है। सेकेंड सम P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, यहाँ हमने थ्री वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, P ऑफ ज़ीरो, P ऑफ वन, P ऑफ टू। फर्स्ट सम में हमारे पास थ्री अलग अलग पार्ट्स थे, या अलग पार्ट नहीं है, एक ही सम में लेकिन वैल्यूज थ्री फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू की ओर जाएंगे, P ऑफ ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो स्क्वेयर माइनस ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो स्क्वेयर क्या होता है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं यहाँ, बाकी क्या रह गया, वन, तो पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई, वन, ठीक है। अब सेकंड पी ऑफ वन, इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन, वन स्क्वेयर क्या होता है, वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। पी ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन। थर्ड पी ऑफ टू, टू स्क्वेयर माइनस टू प्लस वन, टू स्क्वेयर क्या होता है, फोर, टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर, माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू टू प्लस वन, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ हमने तीनों आंसर देने हैं एक साथ, पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन, पी ऑफ वन की वैल्यू वन, पी ऑफ टू की वैल्यू थ्री, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास वन वन और थ्री, ठीक है। सेकंड पार्ट पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब, फाइंड आउट करने हमने पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। सबसे पहले पी ऑफ ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो स्क्वेयर माइनस ज़ीरो क्यूब, टू प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो का स्क्वेयर ज़ीरो माइनस ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो, टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बाकी क्या रह गया हमारे पास, टू, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू टू। अब पी ऑफ वन, टी की वैल्यू वन पुट करेंगे, इक्वेशन रिपीट नहीं कर रही मैं यहाँ पे, टू प्लस वन प्लस टू, वन स्क्वेयर माइनस वन क्यूब, टू प्लस वन प्लस टू, वन स्क्वेयर वन माइनस वन क्यूब वन, टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, यहाँ हम वन को वन से कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास रह गया टू प्लस टू फोर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टू प्लस वन प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अब पी ऑफ टू,
पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब, टू प्लस टू टू स्क्वायर फोर माइनस टू क्यूब एट, टू प्लस टू प्लस टू फोर या एट माइनस एट, यहाँ भी उसी तरह से प्लस एट माइनस एट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा टू प्लस टू फोर, ठीक है। पी ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई फोर। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू टू, पी ऑफ वन इज इक्वल टू फोर एंड पी ऑफ टू इज इक्वल टू फोर, टू फोर फोर, ठीक है। थर्ड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो क्यूब, ज़ीरो क्यूब क्या होता है ज़ीरो। सेकेंड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब पी ऑफ वन, पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन क्यूब, वन का क्यूब वन, वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, ठीक है। नेक्स्ट, पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब, टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है। पी ऑफ टू इज इक्वल टू एट। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन, पी ऑफ टू इज इक्वल टू एट, ज़ीरो वन एट, ठीक है। फोर्थ पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू ज़ीरो सबसे पहले, माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो माइनस वन मल्टीप्लाई ज़ीरो, दोनों नंबर को पहले ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई वन माइनस वन मल्टीप्लाई वन, ठीक है। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो, माइनस वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई वन ज़ीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, बाकी क्या रह गया माइनस वन, तो पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ठीक है। अब वन की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, वन माइनस वन क्या होता है ज़ीरो, वन प्लस वन टू, ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। पी ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, टू माइनस वन वन, टू प्लस वन थ्री, वन मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू थ्री, पी ऑफ टू क्या आ गया थ्री, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन, पी ऑफ वन ज़ीरो, पी ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री, माइनस वन ज़ीरो और थ्री, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।